Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays. Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 9933215764. आदाब नमस्कार वणकम सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे लेबर कमिश्नर के जो ऑफिस है उसके सामने। मैं आपको यहाँ पे आने का मकसद क्या है मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है कि हमारे यहाँ के जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जो कुछ भाई लोग हैं, कुछ ड्राइवर लोग हैं, जो रात दिन एक करके जो हमारे यहाँ के प्रशासन को, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के जो भी काम है, बेचारे गाड़ी लेकर धूप बारिश कुछ भी हो उसमें भाग दौड़ के अपना जो है योगदान देते हैं, लेकिन उन्हीं को जो है कई दिनों से पेमेंट नहीं मिला है। तो इसी विषय में आज यहाँ पे जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है और सर से हम बात करते हैं कि ये जो मेन जो है क्या इसका रीज़न है कि यहाँ पे जो लोग जो ये करा है, और इनका जो पिछला भी आप वीडियो मेरा देखेंगे, इन लोग पिछले जो भी प्रोग्राम करे थे उनका क्या हुआ है, आइए इसी विषय में सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले तो नमस्कार। तो आपको मालूम होगा जो जैसा आज हम लोग यहाँ पर फिर से मौजूद होया, जो लेबर डिपार्टमेंट और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्कशॉप डिवीजन का कुछ काम का वजह से आया है, जो अंडमान निकोबार जो सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ जो ASNVMS बोलते हैं, जो 1/30 के लिए मजदूर का जो डिमांड को लेके इतना सालों से लड़ता है 1/30 लेके देने के लिए, जो हम लोग ये सब करने के बाद भी कुछ लोगों को वंचित करके ये लोग जो है मजाक उड़ाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आने पड़ा। तो आपको मालूम होगा यहाँ मैं वर्कशॉप डिवीजन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठा है, वहाँ मैं 300 से ज़्यादा लेबर काम करता है और सारा अंडमान में 18 डिवीज़न है APWD का। 18 डिवीज़न में 2015 में 5,300 मजदूर टोटल काम करता था। इन सबको 2008 से लेके ये PWD डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग किया था। आउटसोर्सिंग का मतलब ये लोग जो काम PWD का करेगा, PWD का जो ही काम लेगा, PWD पेमेंट करेगा, और उस पेमेंट जो है कोई रामा राव गोंडा राव को बुला के वो ठेकेदार बना के उनका नाम पर चेक इशू करेगा, वो चेक जो है बैंक में डाल के पैसा लेके इनको देगा, वही लोग पेमेंट भी करता था। ऐसा 2014 तक चला, फिर यूनियन हम लोग इकट्ठा होके वहाँ में हम लोग बंद कराने के लिए सी ऑफिस को घेरा था। उसका बाद जो सी वो टाइम का PK सिंह साहब था, उन्होंने बोला जो मजदूर जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है उनका पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में देता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म होएगा, उसको बदल के जो PWD का DRM बनाना है। वो DRM जो बनने के बाद जो बाकी किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट नहीं होना, ये 2012 में PWD सेक्रेटरी, हम आपको कॉपी देगा, PWD सेक्रेटरी जो है आदेश दिया लेबर कमिश्नर को और सारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और CE को, जो PWD में काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को सबको डेली रेटेड में जो PWD का वर्कर बनाना, लेकिन बाकी सब डिवीजन को किया और वो डिवीजन का ड्राइवर को भी किया। यहाँ अंडमान में ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्कशॉप डिवीजन खाली, बाकी सबको किया, इनका जूनियर सबको किया। ये 31 आदमी जो काम करता है उनको मास्टर रोल में भी नहीं लाया, 1/30 पे भी नहीं दिया। उस दिन से हम लोग लड़ते हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट में ये केस हुआ कंसीलिएशन का फेलियर होने के बाद लेबर सेक्रेटरीट में गया, वो वहाँ से रेफर करने के बदले में यहाँ में पूछा, बोला ये लोग आउटसोर्सिंग है इसलिए ये लोग को हक नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको अभी हाईकोर्ट में चैलेंज करके बैठा है। और ओवर टाइम का केस भी, इनको ओवर टाइम मिलना डबल, मिनिमम वेज एक्ट के मुताबिक डबल देना है, डबल देने के बदले में ये लोग को 16 रुपया देता था, बाकी ये लोग मरता था। जो कानून का अंदर जो पैसा अभी उसको 75 रुपीज़ फिर यूनियन लड़के लिया, लेकिन 150 रुपया मिलने की जगह में खाली अभी भी 75 रुपीज़ ही देता है ओवर टाइम। कोविड का टाइम में जो अंडमान का जो पब्लिक के लिए रात दिन ये लोग जो ये 31 ड्राइवर लोग काम करता था, सारा
इलेक्ट्रिसिटी का वो कोई भी जगह में काम ज़्यादा होता है, इनको बेचता है, काम करवाता है। कोविड का टाइम है, लोग जो सर्टिफिकेट इशू करके इन लोग को निकाला, लेकिन इनको जो देना है वो नहीं देता है। अभी मालूम हो गया इन लोग आउटसोर्सिंग है, कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू से पेमेंट होता है। ना कॉन्ट्रैक्टर कभी इधर आया, ना कॉन्ट्रैक्टर से इनका कोई परिचय है और कुछ ही नहीं है। और सारा काम तो PWD कराता है, PWD उनको पेमेंट देने के बदले में किसी एजेंट को रख के उनको पेमेंट बैंक में डालने का काम रखा है। और एक लेबर के ऊपर 200 रुपया मारता है एक दिन, ऐसा करके आप सोचो 31 आदमी का कितना पैसा वो ऐसे बैठे बैठे मारता है। तो हम लोग बोला ये क्यों गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट करेगा, ये पैसा गवर्नमेंट को फायदा होगा इन लोग को डायरेक्ट पेमेंट करने से, उसका बदली में वही करने मांगता है ये लोग, किसी लिए इनका इंटरेस्ट है मालूम नहीं। अभी कोर्ट में केस है, ये लोग अभी महीना में पेमेंट जो देता था, अंडमान का मिनिमम वेजेस एक्ट में बोलता, Rule 7 में बोलता है 7 तारीख का पहले हर लेबर को पेमेंट होना चाहिए। हम लोग ये लेके लेबर कमीशनर को लिखा, लेबर कमीशनर भी कभी डिले करता, तो लेबर कमीशनर अभी आज बुलाया, उनको धमकी दिया, लास्ट मंथ में भी इसी तरह हुआ था, फिर 20 तारीख का बाद में पेमेंट हुआ, ये महीना में अभी आज 23 हो गया, आज लेबर कमीशनर बुलाया इधर में, जो लेबर इंस्पेक्टर उनको बोल दिया मंडे का अंदर पेमेंट करके हमको रिपोर्ट देना है। तो ये इसलिए होता है, जो पूरा डिपार्टमेंट का अंदर हेराफेरी होता है। हम पहले उधर में बोला, जो पब्लिक सोचेगा हम लोग पगल का तरफ ऐसी बोलता है, जो कितना यही यही जो है सबका ऊपर विजिलेंस एनगोरी है, ये तरफ काम करता है। इसलिए हमारा जो बोलने का मतलब, जो वर्कर को जल्दी से जल्दी उनको मस्टर रोल में लेके ये 138 उनको जो जूनियर को दिया है उसका तरफ उनको भी देना चाहिए। और दूसरा वो भी बोल देगा, वो दूसरा इशू जो है, जो वेलफेयर बोर्ड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नहीं पूरा देश में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जो वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करता है, उनको जो कोई भी तकलीफ होने से, गरीब लेबर है, परमानेंट नौकरी भी नहीं करने वाला बहुत है, उनको कोई मदद करने के लिए एक बोर्ड बनाया। 2009 से हम वो बोर्ड का मेंबर है, वो बोर्ड में बैठ के हम लोग किया, हमें कोई कानून पास कर दिया। वो बोर्ड में बोला है एक आदमी एक बच्चा 5 तक पढ़ेगा तो उसको 500 रुपया महीना में देना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर का बच्चा, कॉलेज में पढ़ेगा तो उसको इतना रुपया देना, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में अगर हमारा एक लेबर का बच्चा पढ़ेगा उनका पूरा खर्चा बोर्ड से देना है। ये सब फैसला किया, कोई डेथ तो होएगा उसको पैसा देना क्रिमिनेशन के लिए, जो बीमार होएगा रेफर करेगा उनको पैसा देना, कोई आदमी एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाएगा उसको 2 लाख रुपया देना, ये सारा चीज़ 2020 के कोविड आने का पहले, ये लो 2018 का बोर्ड का जो नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया उसका बाद नोटिफिकेशन बनाया नहीं, हाँ खाली करस्पोंडेंस करके करके आज जो है ये 3 साल का बेनिफिट जो है उनको नहीं दिया है, वो चीज़ वर्कर को मिलने का है, वो जल्दी से जल्दी उनको देना चाहिए करके चिट्ठी लिखा। ये चिट्ठी LG और चीफ सेक्रेटरी को हम दिया था पिछले 2021 को, तो वो गया वाला चीफ सेक्रेटरी यहाँ है कि नया लेबर कमिश्नर, एक लेबर कमिश्नर का नौकरी इसका पीछे चले गया, दूसरा लेबर कमिश्नर को जो हमारा लेटर मिलने के बाद में CIT को उससे निकाल दो करके बोला करके बोलता, हम तो यहाँ के पूछा तो बोला CIT को निकाल दो, हम लोग ऐसा चिट्ठी लिखा है LG को चीफ सेक्रेटरी को, ये लोग को पैसा देना है करके। तो जो बोर्ड जो करप्शन से डूब गया है, बोर्ड का पैसा 110 करोड़ रुपया अभी लेबर का पैसा बैंक में है, वो पैसा जो ये लोग मारने के बाद ये पैसा उनको क्यों नहीं देता, ये जो वर्कर को मिलने का पैसा है, इनके बच्चों का भविष्य का पैसा है, ये नहीं देने के लिए ये सब ड्रामाबाजी करता है। इसीलिए हमारा दूसरा डिमांड है, ये जल्दी से जल्दी जो वर्कर को मिलने का पैसा सब चालू करना है, उसको देना है, यही है हमारा दूसरा डिमांड। तो अभी सर जैसा आपने बोला है कि जो यहाँ के जो AE है उन्होंने बुला कर, किसको कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, किसको बुलाया,
नहीं, जो लेबर इंस्पेक्टर जो है कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग जानता है नहीं। ओके। ना ड्राइवर जानता है ना यूनियन जानता है, जानता है ये लोग जानता है, जो जब ये लोग जो ई जानता है, ई का नीचे वाला वाला है, जो लेबर कमीशन को हम लोग चिट्ठी लिखा, ए ई को लिखा, अरे ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा, सीई को लिखा, पीडब्ल्यू सेक्रेटरी को लिखा, लेबर सेक्रेटरी को लिखा, ये सब पेमेंट नहीं हुआ करके सबको लिखा, ये सारा लेटर का कॉपी भी दिखा के लिखा, जो इनको ऐसा नहीं रख सकता है, इनको जो पीडब्ल्यू सेक्रेटरी का ऑर्डर है, ये सारा देखने के बाद लेबर इंस्पेक्टर आज हम लोग को बुलाया, उनको आदेश दिया मंडे तक इनका पेमेंट करके हमको रिपोर्ट देना करके, अभी मिनट्स बना है जो हम लोग के पास है, जो वर्कर को जो पैसा देने में ये जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम आ रहा, जो 138 का पे अभी जो डिसीजन हो गया वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करता है, उसके लिए भी अभी हम लोग आंदोलन करने पड़ेगा, चिट्ठी दिया है क्यों, कोर्ट खत्म हो गया, तो इसलिए जो लेबर का पैसा किसी को भी देने का पैसा होने से जो डिपार्टमेंट है प्रशासन है वो देने नहीं मांगता है, यही प्रशासन का रवैया है। तो अभी यहाँ का यही जो है उनको बुलाकर बोल दिया कि पेमेंट मंडे तक क्लियर करना है, करना है, लेकिन नेक्स्ट जो है अगला बार से अगर इस तरह होगा बाई चांस अगर लेट होता है तो फिर आप लोग उसके हम क्या एक्शन लेगा? हम लोग जरूर, हम लोग के पास क्या वेपन है, हम लोग के पास आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग इनको अभी लेबर कमीशन इसको फाइन कर सकता है, 7 तारीख को पेमेंट नहीं होने से लेबर डिपार्टमेंट है जो वेजेस एक्ट का जो अथॉरिटी है वो अपना एक्शन जो लेता है वो देखता है, तो उनको बोल दिया लेबर आज जो हमारा लेबर इंस्पेक्टर जो उसको बोल दिया अगर, और कोई भी कारण बोल के इसको रुक नहीं सकता, पेमेंट टाइम में होना है, इसके लिए हम कोई भी चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है करके बोला, कोई कॉन्ट्रैक्टर का बात सुनने नहीं मांगता करके उन्होंने बोला, लिखित रूप से भी दिया है, लिखित रूप से दिया है जी। ठीक है, देखिए सर ने कैसा बताया है अभी पूरा विस्तार से, और यहाँ का जो एई है वो खुद बुलाकर बोल दिया है कि मंडे तक का जो है जितने भी जो पेमेंट जो है लेबर इंस्पेक्टर जो है वो बुलाकर जितने भी पेमेंट यहाँ जिसका रुका हुआ था उनको देने के लिए, लेकिन अगर नेक्स्ट बार भी अगर इसी तरह हुआ तो सर ने कहा हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन मेरा जो यहाँ का हमारे यहाँ का लेबर कमिश्नर से रिक्वेस्ट है, अगर यही चीज़ बैंक में अगर हम लोग एक इंसान लोन लेता है अगर 2-4 दिन लेट हो जाता है तो उन्हें पेनल्टी लगता है, उन्हें फाइन लगता है, तो उनको इंटरेस्ट के साथ में बांधना पड़ता है, तो अभी जो 7 तारीख को इनको जो पेमेंट होने वाला था आज हो गया 23, तो इतना दिन का जो इनका एक एक रुपया जो है अगर इतना पैसा अगर बैंक में अगर कोई हम और आप रख दे तो उसका कई लाख रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा झोल है, इतना पैसा बैंक में है उसको उसका लाखों रुपए इंटरेस्ट लेके इनको अभी जो है धमकी मिलने का बाद में ऑर्डर मिलने के बाद में दे देगा, लेकिन वो जो लाखों रुपया है वो तो उनका पॉकेट में चले गया है, तो वो जितना भी इंटरेस्ट है अभी ये 7 तारीख से 23 तक का जो भी पैसा अभी इनका जो बैलेंस बचा हुआ है जो इंटरेस्ट का साथ में इनको दिया जाए, मेरा लेबर कमिश्नर सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इनको इंटरेस्ट के साथ में, ताकि अगला बार से जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको एक सबक मिल जाए और वो दोबारा ऐसा हमारे ड्राइवर्स के साथ हमारे जो भी यहाँ के पीडब्ल्यूडी के स्टाफ के साथ दोबारा कोई भी ऐसा ना करने का अपना एक मतलब वो उठाए, एक किसी का हिम्मत हो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को, और पहली बात है कॉन्ट्रैक्टर ये बीच में कहाँ से आ गया है, जब एक डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट का ड्राइवर है, डिपार्टमेंट का लेबर, तो बीच में कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है भाई, ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट ही इसको पेमेंट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा झोल है, तो आगे भी हम इसका इन्वेस्टिगेशन हम विस्तार से करेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी जाकर हम रेवेन्यू जो हमारे यहाँ का जो सर है उनसे बात करें कि इनको इतना देर लेट करने का रीज़न क्या है, तो आइए सर से हम लोग कोशिश करते हैं बात करने का। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।